ऐसी ही क्लासिक मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड क्लासिक और बेल आइकन को प्रेस करें। सुपुत्रों को नहीं भूल सकता और हमारी कहानी भी भारत के एक बहुत बड़े लाल नेताजी सुभाष बोस से शुरू होती है। ब्रिटिश की जेल की सलाखों को तोड़कर वो सिंगापुर पहुंचे थे। और अपने वतन की आजादी की जंग शुरू करने से पहले उन्होंने गांधी जी से आशीर्वाद मांगा। राष्ट्रपिता, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ये आजादी की जंग जीत जाएं। अपनी फौजों के सामने, जिसके वो कमांडर इन चीफ भी थे, उन्होंने भाषण देते हुए कहा, दुनिया के सामने आज मैं फख्र से ऐलान करता हूं कि इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनाई गई है। मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं तो तुमसे मांगने आया हूं तुम्हारी जिंदगियां, और इसके बदले में मैं इस वक्त तुम्हें दे सकता हूं भूख, मैं तुम्हें दे सकता हूं प्यास, मैं तुम्हें दे सकता हूं मुसीबत और आखिर में मौत। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हमारी हार कभी नहीं होगी। अगर जिंदा रहे तो वतन को आजाद करेंगे, अगर मर गए तो ब्रिटिश के कदम हिंदुस्तान से उखाड़ कर फेंक देंगे। इतिहास गवाह है कि नेताजी की प्रतिज्ञा सफल हुई। मलाया में हिंदुस्तानियों ने उनके कदमों में आंखें बिछा दी और वो देवता की तरह पूजे जाने लगे। मलाया में रहने वाले सरमायादार हिंदुस्तानियों के एक जलसे में आजाद हिंद फौज के लिए चंदा की अपील करते हुए उन्होंने कहा, जब आप दौलतमंद लोग इनकलाब का नाम सुनकर तालियां बजाते हैं तो मुझे खुशी होती है, मगर इनकलाब तालियां बजाने से नहीं आया करता, इनकलाब तो कुर्बानी मांगता है। अगर आप अपने लिए आजाद हिंदुस्तान में इज्जत की जगह चाहते हैं तो आपको भी कुर्बानियां देनी होगी, जिस तरह यहाँ के गरीब हिंदुस्तानियों ने मिसाल कायम की है। उन गरीबों ने अपनी जिंदगी की पूंजी, अपने बैंकों की किताबें, औरतों ने अपने जेवर और माओ ने अपने लाल फौज में भर्ती के लिए मेरे हवाले कर दिए। मगर आपने, आप दौलतमंद ने आपने मुझे क्या दिया है? खास कुछ भी नहीं। याद रखो, मैं ये कभी इजाजत न दूंगा कि कुर्बानियां करे गरीब और आजादी का फायदा उठाए आप दौलतमंद। आजादी के पौधे को खून से सींचे गरीब और फल आ गिरे आप अमीरों के झोली में। जंग के मैदानों में मारे जाए गरीब और महलों में बैठकर आराम करें आप। नहीं, हरगिज नहीं, मैं आप लोगों को चैन से नहीं बैठने दूंगा। मैं आपकी नींद उचाट करने आया हूं, आराम छीनने आया हूं। मैं आपका वक्त, आपकी दौलत, आपकी औलाद, आपकी जिंदगियां मांगने आया हूं। मैं वो सरफरोश मांगने आया हूं जो सर पर कफन बांधकर भूख और मौत का मुकाबला करते हुए मेरे साथ हिंदुस्तान की तरफ मार्च करेंगे, जो दुश्मनों को मारते हुए
गोलियों की बौछार में दीवानावार नारा लगाते हुए दिल्ली के लाल किले पर आजाद हिंद का झंडा लहरा देंगे। अगर मेरी बातों का आपके दिल पर कुछ असर हुआ है तो मैं आजाद हिंद फौज के फंड के लिए इस हार की नीलामी करता हूं। बोली लगाइए। 500 रुपया। नेताजी के हार की कीमत सिर्फ। तुम्हारा बाप कितना ब्लैक मार्केटर है, पर है कितना कंजूस, सिर्फ 500 रुपया देता है। तुम्हारे भाई से तो अच्छा है, 500 रुपये तो कहे हैं, तुम्हारे भाई ने तो कुछ भी नहीं कहा। पाँच हजार और नेताजी 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 और सिर्फ 10,000। क्या आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो वतन की आजादी के लिए अपनी सारी पूंजी मेरे हवाले कर दे? 1,00,000। भैया भैया 1,00,000। हबीबुला 1,50,000। 2,00,000। 2,25,000। 2,50,000। 3,00,000 नेताजी, 3,00,000। 3,00,000। 3,25,000। 3,25,000। 5,00,000। 5,25,000। 5,50,000। 6,00,000। 6,00,000। 6,50,000। 7,00,000। नेताजी गोली बंद कीजिए, मेरे पास सिर्फ 7,00,000 रुपए है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। भगवान के लिए हार मुझे दे दीजिए। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर। शेखर, भारत माँ तुम जैसे नौजवान पैदा करके गुलाम नहीं रह सकती। तुमने मुझे अपना सब कुछ दिया है, इसलिए ये हार तुम्हें मिलेगा। बॉस कहाँ है? इनसाइड। सर, यस yes? चुंगू आया है, भेज दो। यस सर। यस बॉस, आज नेताजी ने एक मीटिंग में 40,00,000 रुपए जमा किए हैं। यस yes? और एक नौजवान शिखर ने नेताजी का मामूली हार 7,00,000 रुपए में खरीद किया है। कौन है वो? सेठ राम प्रसाद का लड़का। ये सेठ राम प्रसाद वही है जिसे बर्तानिया ने आज से 40 साल पहले हिंदुस्तान से जलावतन किया था। वो अंधा? यस बॉस। राम प्रसाद का बड़ा लड़का सुरेश ब्रिटिश फौज में है, ये खबर वायल से ब्रिटिश हाई कमान को भेज दो। यस बॉस। और सुरेश और शेखर के रिश्ते का भी जिक्र करना। यस बॉस। यस सर। वेल कैप्टन, हाई कमान ने तुम पर एक बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी डालने का फैसला किया है। ये मेरी खुशकिस्मती है। गुड, हो सकता है तुमको अपने रिश्तेदार लोग से लड़ना पड़े। दूल्हों के लिए आपकी फौज में भर्ती हुआ हूँ, उनके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा करूँगा। वेरी गुड। न्यूज आया है तुम्हारा भाई ने INA को 7,00,000 रुपया दिया है। मेरे भाई ने? यस, हाई कमान ने तुमको सिंगापुर भेजने को डिसाइड किया है। तुम्हारा पहला काम अपने भाई को ये बेवकूफी से रोकना होगा। वो बेवकूफ नहीं, गुमराह है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। वेल दैट्स अ गुड बॉय। मुझे कब जाना होगा? टुनाइट बाय सबमरीन। यस सर। वेल कैप्टन, गुड लक। थैंक यू सर।
पिताजी, आपने शेखर को सारी पूंजी लुटाने दी और मुझसे पूछा तक नहीं। आखिर मैं भी तो आपका बेटा हूं। मगर बेटा, मैंने अपनी पूंजी लुटाई नहीं, बल्कि आजाद हिंद फौज के वास्ते नेताजी के अर्पण कर दी। आजाद हिंद फौज की हकीकत ही क्या है? जापानियों का एक हथियार। पिताजी जरा सोचिए तो, अगर जापानी ये जंग हार गए तो आपकी क्या हालत होगी? यही होगा ना कि हम मारे जाएंगे, हम मर कर फिर पैदा होंगे। जब तक हमारा वतन आजाद नहीं होता, हम लाख बार मरेंगे, लाख बार पैदा होंगे। सुरेश, सुरेश, मैं इस हार में भी अपनी अंधी आंखों से हिंदुस्तान का चमकता हुआ भविष्य देख रहा हूं। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश की बागी फौजों से ही बनाई गई है, और जब फौजें बगावत कर जाएं, तो कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। इस जंग में आजाद हिंद फौज की फतेह हो या शिकस्त, लेकिन दिल्ली के लाल किले पर हमारा तिरंगा लहराएगा, और जरूर लहराएगा। वो दिन वाकई मुबारक होगा। मैं भी अपने वतन की आजादी चाहता हूं पिताजी, लेकिन जापानी जंग जीत गए तो आप समझते हैं कि हिंदुस्तान से अंग्रेज को निकालकर वो मुल्क हमें बख्श देंगे? भैया ठीक है, मगर जापानियों की मदद से ना। तो क्या हुआ, किसी की मदद लेकर वतन को आजाद कराना कोई पाप नहीं है, बल्कि अंग्रेजों की मदद करके वतन को गुलाम बनाए रखना ही गद्दारी है। मैं गद्दार नहीं हूं पिताजी, ये जंग दो उसूलों की जंग है। वो उसूल, उसूल वतन हमारी माँ, और जो उसूल माँ की आजादी में रोड़ा अटकाए वो उसूल नहीं गुमराही है। सुना करता था कि किसी भूखों मारी माँ ने अपने बच्चों को बेच डाला था, मगर ये कभी नहीं सुना कि किसी नालायक ने अपनी मां को बेच डाला हो। और क्या पता था कि वो अपना ही बेटा होगा। आप सिर्फ जज्बात की राह में बह जा रहे हैं पिताजी। तुम इन्हें जज्बात कहते हो, मगर मुझे याद आज से 40 साल पहले जब मैं वतन से बेवतन कर दिया गया था, बर्फानी सर्दियों की एक रात थी जब हमारा जहाज लहरों के थपेड़े खाता हुआ साहिल से दूर हो रहा था, और उस वक्त मैंने अपनी इन आंखों से आखिरी बार अपने प्यारे वतन की रोशनियां मध्यम होते हुए देखी थी। और आज जब कुदरत का इंसाफ ब्रिटिश के किए हुए गुनाहों की सजा देने वाला है, तो तुम मुझे उसूल समझाने आए हो। जाओ, चले जाओ अपने ब्रिटिश आकाओं के पास और उन्हीं की दोस्ती का दम भरो। मैं अंग्रेज का दोस्त नहीं हूं पिताजी, ये आपकी गलतफहमी है। अभी भी तुम्हारा ये दावा है कि मेरी ही गलतफहमी है। मैं इन अंधी आंखों से जहां हिंदुस्तान का चमकता हुआ भविष्य देख रहा हूं, वहां अपने घर की तबाही भी देख रहा हूं। खैर, जो किस्मत को मंजूर है। सुरेश, तुम यहां से चले जाओ। जाओ, बेशतर स्थिति यहां शेखर आ जाए और घर में एक नई मुसीबत खड़ी हो, तुम चले जाओ। अच्छा, जाता हूं पिताजी। मैं तो आपको सिर्फ ये समझाने आया था कि खामखा आफत मोल न लीजिए। ठहरो, जब घर का भेदी लंका ढाएगा तो आफत तो आएगी। शेखर, मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम वतन के दुश्मन हो, इसलिए तुम हमारे भी दुश्मन हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। शेखर, मेरी तरफ मत बढ़ो वरना बुरा होगा। मैं जानता हूं तुमसे बुरा कोई ना होगा। प्रताप, ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा? भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। सुरेश भाई है तो क्या हुआ, वो वतन का गद्दार है, मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। ये क्या हुआ? शेखर भैया मारकर गिरा दिए गए हैं। सुरेश, शेखर, सुरेश। पिताजी, मुझे अफसोस है, मुझे अपने बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ा। खबरदार, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा।
अगर जान प्यारी है तो अपनी जगह से मत हिलो। प्रताप, ये तुमने क्या किया? प्रताप, ये तुम सब पागल हो गए हो क्या? कुछ नहीं हुआ, भैया भाग गए। क्या हुआ सुरेश? वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। पिताजी ने मुझे डांट दिया, शेखर ने गद्दार का गिरफ्तार करने की कोशिश की और प्रताप ने तो गोली ही चला दी। तो फिर? फिर क्या, मैं बच गया। ये मेरी खुशकिस्मती है सुरेश, तुम बच गए। दीदी, ओ, आई एम सॉरी। आ लिली, आ। लिली, तुमने डांस की रिहर्सल ली? हाँ दीदी, आपकी जो शो होगा तो लोग कहेंगे कि मशहूर डांसर डॉली की बहन लिली ने कमाल कर दिया। मुझे खुशी होगी। अब जाओ, जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट लिली। गुड नाइट डॉक्टर। डॉली, मेरे यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, मेरे भागने का इंतजाम करा दो। हो जाएगा, चलो चल के आराम करो। की ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे, सिपाहियों को शो देंगे, उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, उनसे खबरें निकालेंगे। तो फिर? फिर? ब्रिटिश हवाई बेड़ा आईएनए और जापानियों की फौज पे बम बरसाएगा, आईएनए का खात्मा, जापानियों की हार। यस, यस, हम जाएंगे। डैडी, मुझे वो दिन याद है जब जापानी दरिंदों ने ब्रिटिश का साथ देने के इल्जाम में तुम्हें गोली से उड़ा दिया था और मैंने तुम्हारी मौत का बदला लेने की कसम खाई थी जापानियों से, जापान के साथियों से, चाहे वो सुभाष बोस ही क्यों ना हो। अब वो वक्त आ गया है और मैं बदला लूंगी। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाके छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाके छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं। थोड़ा थोड़ा मिलना, थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं। छोड़ो छोड़ो जिया न तोड़ो, किसी और को जला करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। Thank you.
छोटी सी बात पर ये लड़ाई, प्यार की दुहाई है प्यार की दुहाई। अखियों में अखियां डाल के तो देखो, चेहरे पे गुस्सा है दिल में सफाई। घड़ी घड़ी ओ बड़ी बड़ी ऐसी बातें न बनाया करो। गोरी गोरी ओ बाकी चोरी चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाकी चोरे कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी चोरी चाहे रोज बुलाया करो। Shekhar, one step forward, march! Havaldar Shekhar, aaj se tum captain bana jate ho. Azad Hind Fauj ki ek zaruri chitthi lekar शेखर कल बैंकॉक जा रहा है, उसमें हमले की स्कीम है। हमले की स्कीम? हाँ, आजाद हिंद फौज के हमले को नाकाम करने के लिए हमें उस चिट्ठी की नकल चाहिए। तो मैं ले आऊंगी। काश के तुम ऐसा कर सकती। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती बॉस, तो फिर कौन कर सकता है? लिली, सिर्फ लिली ये काम कर सकती है। शेखर उसे चाहता है, वो उस पर इत्तेबार करता है, उसके लिए ये काम बड़ा आसान है। लिली के लिए ये काम आसान है इसलिए उसे मुसीबत के मुंह में धकेल दूं? जानते हो जासूस की सजा क्या है? मौत। लिली अभी नादान है, बच्ची है, मैं उस पर मौत का साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं उसे खतरनाक रास्ते पर नहीं डालूंगी। मगर उसे रास्ता अख्तियार करना ही पड़ेगा। वो बच्ची है, नादान है, मगर हम सबके साथ रहती हुई तूफान से अलग खड़ी तमाशा नहीं देख सकती। अभी तक वो हमारे राज नहीं जानती, मगर एक दिन जान सकती है और हम सब पर मौत का साया डाल सकती है। स्कीम की नकल लेने लिली को ही जाना होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ना सुनने का आदी नहीं। मुझे मौत की धमकी दे रहे हो? मैं सिर्फ धमकी नहीं दिया करता, मौत का हाथ उठा भी दिया करता हूँ। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मेरी लिली को इस खतरनाक रास्ते पर न डालो। न डालो? तुम्हारी बहन की मोहब्बत तुम्हें बुजदिल बना रही है। हाँ हाँ, क्योंकि मैं उसकी बहन ही नहीं बल्कि माँ भी हूँ। उसके आगे जिंदगी है, मोहब्बत है, जवानी है। मैंने तो अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए इस भयानक रास्ते को इख्तियार किया है, लेकिन उसे इस खतरनाक रास्ते पर न डालो। तुम्हारे आंसू मिट्टी की दीवार ढा सकते हैं, पर मुझ पर कोई असर नहीं कर सकते। मैं फैसला कर चुका हूँ। उस बैग में आजाद हिंद फौज की मोहर है और लिली की हवाई जहाज की टिकट है। स्कीम की नकल लाने के लिए लिली को ही जाना होगा। इत्तफाकी हुआ करती, वहां मेरा टाउन हॉल में हार खरीदना और आपका वहां ताली बजाना, फिर मेरा ट्रेनिंग कैंप में जाना, वहां भी आपका चले आना, अब ये प्लेन में खराब।
लिली, मेरी जिंदगी खतरे में है, मुझे खत की नकल चाहिए। जहाज के इंजनों में गड़बड़ शुरू हो गई है, हमें मजबूर होकर यहाँ की उतरना पड़ेगा। शुक्रिया, सेफ लैंडिंग। तुम सीटी बजा रहे हो? यस। तुम्हें मौत का खौफ नहीं? नहीं है भाई। नहीं? नहीं, मगर जिस खास काम के लिए जा रहा हूं शायद पूरा ना हो सकेगा। शायद इसमें ही भलाई हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। नहीं, मैं मना नहीं चाहता। सेवन थाउजेंड फीट कैप्टन। इलाका पहाड़ी है, बचना मुश्किल है। 9000। कैप्टन 4000 नाउ। नवाब हाउस फोर ओनली कैप्टन। मशीन तो दुरुस्त नहीं हो सकती। तो फिर अब क्या होगा? हमारा हवाई जहाज संकट ना पहुंचे तक वहां से एक हवाई जहाज हमारी तलाश को निकलेगा, तब भी कुछ मदद की उम्मीद हो सकती है। कितना वक्त लगेगा? कुछ कह नहीं सकता। कैसे मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं जाता हूं। तो मैं रास्ता मारू? मैं शेखर पता लगा लूंगा। अच्छा अच्छा ले ले। लिली, मुझे खत की नकल चाहिए। लिली, मुझे खत की नकल चाहिए। क्या है दीदी? Thank you.
मगर तुम न होगे, पुकारेंगे गरो के तुमको नजारे, मगर तुम न होगे। चुप रहूंगी तुम्हारी शिकायत करेंगे सितारे, मगर तुम ना होगे। तुम्हारी शिकायत करेंगे सितारे, मगर तुम ना होगे। अभी शाम आएगी निकलेंगे तारे, मगर तुम ना होगे। बड़ी जोर से भूख लगी, ये लो चाबी, खाना निकालो, कुछ खा पी ले। ये तो इतना थोड़ा है, एक आदमी के लिए भी काफी नहीं होगा। तो तुम खा लो, ये बाकी बच गया है। तुम मेरा झूठा पानी। मुसीबत के वक्त दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। हटो, तुम मेरे दुश्मन थोड़े। मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ शेखर, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। ले ले, चक्कर आ रहे हैं। तुम्हारी तबीयत अब तक ठीक नहीं है? Thank you.
ले ले। हमारे इकट्ठा हवाई जहाज में सफर करना, हवाई जहाज का खराब होना और फिर इस तरह हम दोनों जंगल में अकेले, ये चांदनी रात, मैं सोच रहा हूं ये सपना है या कुदरत ने हम दोनों को प्यार की माला में पिरो देने का खेल खेला। क्या सोच रही है लीली? अब तो नींद आ रही है। नींद आ रही? अच्छा, इसे ओढ़ लो। लेकिन इसमें अहम सरकारी कागजात है, संभाल कर रखना, कहीं खो गया तो मैं मारा जाऊंगा। ले ले, मुझे खत की नकल चाहिए। तुम्हें मुझ पर विश्वास है? अपने आप पर किसे विश्वास नहीं होता लेकिन। लिली, मेरी जिंदगी खतरे में है, मुझे खत की नकल चाहिए, मुझे खत की नकल चाहिए। मुझे खत की नकल चाहिए लिली। सुभाष, इंडियाना, बैंकॉक। सुभाष, सुभाष ब्रिगेड बैंकॉक से कहीं में रवाना होगी। सुभाष, पैगाम भेज दो। खबर आई है कि आजाद हिंद फौजें कल बैंकॉक से रवाना होंगी। फैसला किया गया है कि उन पर बम्बार्डमेंट की जाए। कैप्टन सुरेश, क्योंकि आप मलाया के रहने वाले हैं, इसलिए आपकी खिदमत आर्मी से उधार ली गई। कल आपको हवाई बेड़े के साथ जाना होगा। यस सर। विश यू गुड लक। थैंक यू।
हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ मुद्दत के लिए शायद हमारी फौजों का आगे बढ़ना रुक जाएगा। जंग में ऐसा तो होता है। हाँ, मगर मालूम होता है हमारे किसी अफसर की बेवकूफी या गद्दारी की वजह से दुश्मन को हमारी फौजों के आगे बढ़ने का राज पता चल गया है। इस बात की तय तक पहुँचने के लिए हम कई अफसर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हम? तुम भी? क्यों? क्योंकि इस राज को हिफाजत के साथ जनरल शाहनवाज तक पहुँचाने का काम मेरे जिम्मे था। फिर तुम क्यों गिरफ्तार कर लिए जाओगे? मैं शायद बच जाऊंगा लिली, क्योंकि हवाई जहाज में और उसके बाद मेरे साथ सिर्फ तुम ही तो थी और तुमने खत थोड़ी चुराया होगा। मेरे साथी कहाँ है? हमले का क्या हुआ? हमला कामयाब रहा, दुश्मन की सब फौजें तबाह हो गई। दुश्मन की फौजें तबाह हो गई। लिली, कहाँ चली गई थी तुम? मारे फिक्र के मेरी जान निकली जा रही थी। बमबारी में तुझे कुछ हो जाता तो मैं किससे पूछती? मेरी बेटी, तुम्हारे डॉक्टर बाबू। आओ आओ लिली, आओ। ब्रिटिश फौज के अफसर डॉक्टर लिली। क्यों दीदी, और कोई खत चुराना हो, किसी और स्कीम की नकल लानी हो तो ले आऊं? तुम कैसी हो? तुम मेरी माँ, और माँ की खिदमत करना बेटी का फर्ज है ना? मैं समझ रही थी हम सिर्फ कलाकार हैं, पर आज मालूम हुआ हम तो बहुत बड़ी औरतें हैं, हजारों इंसानों की जिंदगी से खेलने वाली, कौमों का तख्ता उलटने वाली जासूस, बहुत बड़ी जासूस, इतनी बड़ी कि मतलब के लिए अपनों को भी मिटा सकती है ना? तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारा मतलब क्या है? नीलम, लिली को यहां से ले जाओ। लिली क्या कह रही थी? वो क्या कहेगी, वो बच्ची है। वो शेखर से मोहब्बत करती है। मैं खतरे को दावत नहीं दे सकता। बाहर कदम नहीं रखेगी, वो शेखर से नहीं मिलेगी। वो नहीं मिलेगी। मेरे हम वतनों और आजाद हिंद फौज के बहादुर सिपाहियों, हमारी फौज पर जो बम्बार्डमेंट हुई है उससे साफ पता चलता है कि दुश्मन को हमारी फौजों की मूवमेंट का पता चल गया है। ये जरूर हमारे ऑफिसरों की गलती और ब्रिटिश के जासूसों का काम। मलाया के हर शहर, कस्बे और देहात में उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार किया जाए। मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि जासूसों को पब्लिक मकामत पर गोली से उड़ा दिया जाए। मुकदमा दलील रहम की गुंजाइश न छोड़ी जाए। हिंदुस्तान की आजादी के लिए जरूरी है कि ब्रिटिश के जासूसों को खत्म कर दिया जाए, और हमारे जिन ऑफिसरों की गलती से हमारी खबरें दुश्मनों तक पहुँचती है उन्हें भी सख्त सजा दी जाए। बदला लेने की कोशिश की जाए। बदला तो तब दिया जाएगा कि सुभाष वो जिंदा रहे।
दिल्ली से शेखर मिलने आया है। नीलम, लीली से जाकर कहो कि शेखर मिलने आए हैं। लीली, शेखर तुमसे मिलने आए, तुमसे कह दो मैं नहीं मिला था। उनसे कह दो मैं घर में नहीं हूं। कितनी बदकिस्मती है, एक ही शहर में रहते हुए मैं अपने भाई से मिल भी नहीं सकता। डॉली, शेखर तुमसे मिलना चाहता है, कह दो मैं इस वक्त काम में हूं। ठहरो ठहरो डाली, डाली, उसे आने दो, तुम उससे बातें करना, मैं चुप कर उसे देखूंगा। ओके, नीलम, तुमसे कह दो अंदर आ जाए। आइए शेखर बाबू। आओ आओ शेखर। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती। लेकिन हम लोग क्रिश्चियन। तो क्या हुआ, मोहब्बत मजहब का बंधन नहीं देखती? और हम डांसर भी हैं। मेरे भैया भी तो डांसर से मोहब्बत करते थे। तुम उस डांसर को जानते हो? जी नहीं, उन्होंने उसका नाम नहीं बताया। काश कि मुझे मालूम होता, मैं उससे मिलता, भैया की बातें करता। तुम अपने भाई से मोहब्बत करते हो? आप अपने बहन से मोहब्बत नहीं करती? अपने भाई से कौन नहीं मोहब्बत करता? और फिर हम दोस्त थे, बचपन से एक साथ खेलते थे, घूमा करते थे। लेकिन तुम तो अपने भाई को गिरफ्तार करना चाहते थे। वो तो उसूल के लिए, मोहब्बत और उसूल में फर्क। जी नहीं, अच्छा तो मैं चलूंगा। मैं मिस लिली से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, जरा कपड़ा बदले पता। शक्कर बाबू ला रहे हैं। उनसे कह दो स्टेज पर जाने का वक्त हो गया। पहले शक्कर बाबू घूमते हुए स्टेज में तो आ रहा। स्टेज पर जा रही कौन है? लिली, अगर लिली मुझसे मिलना नहीं चाहती तब मैं भी उन्हें तकलीफ नहीं दूंगा। तुम उनसे ये कह देना। कौन? अपनी दुनिया लुटा रहे हैं।
हमको मना रहे हैं अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रहे हैं। लिली माफ करना, तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं अंदर आ गया। मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम्हें मेरी इजाजत लेकर मेरे कमरे में आना पड़ेगा। यूं तो मैं कभी ना आता, मगर तुम्हारे उस गाने ने फिर से मुझे गलतफहमी में डाल दिया। तुम इसे गलतफहमी क्यों कहते हो? तुम्हारे पिछले दिनों के रवैये से मैं तुमसे मिलने की कोशिश करता रहा और तुम हमेशा मुझे टालती रही। तुम्हें तो कहा था कि फर्ज मोहब्बत से बुलंद होता है। मगर मैंने ये तो नहीं कहा था कि फर्ज मोहब्बत को भुला देता है। और मैंने भी तो नहीं कहा था कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को भुला दिया है। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और किसी फर्ज की मजबूरी की वजह से मिल नहीं सकती? हाँ शेखर, हाँ। लिली, रो नहीं लिली, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इस उम्मीद पर मैं सारी जिंदगी काट सकता हूं। और अगर किसी फर्ज की मजबूरी से मिल नहीं सकती तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। क्यों नहीं मिलेगी लिली? लिली मिला करेगी तुमसे। शेखर जरा आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नेताजी के जन्मदिन पर हम एक खास शो देना चाहते हैं जिसकी आमदनी हम आईएनए के फंड में देंगे। हम चाहते हैं कि नेताजी उस दिन तशरीफ लाएं, क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है जरूर आएंगे, मगर इसके लिए आपको मेजर जनरल भोसले से मिलना पड़ेगा, और अगर आप कहें तो मैं भी कोशिश करूं। जरूर करो। अच्छा, जय हिंद। जय हिंद। नेताजी आएंगे? यस। और फिर आईएनए का खात्मा, जापानियों की शिकस्त, दुतला। यस 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 यस, उनका जन्मदिन। है? अपने कमरे में साहब। देखो 5 मिनट में नेताजी आएंगे, मैं उन्हें लेने नीचे जा रहा हूँ। डाली, तुम इस दरवाजे के पास उनका स्वागत करो। कैप्टन सुरेश, तुम्हारा आदमी तैयार है? यस। जब मैं इशारा करूं तब, उससे पहले नहीं। ओके, एंड मेक सर्टन। Inclose!
बीता जीवन है बलिदान की एक कहानी, नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी, बलिदान ही बलिदान है बचपन और जवानी, बचपन और जवानी। ओए बचपन ही से चंचल मन में अरमानों का मेला था, छोटी सी एक लहर के दिल में तूफानों का रेला था, कॉलेज में उस्ताद जो था वो था लंदन का गोरा, अरे उसने कहा कॉलेज में एक दिन हिंदी काला लोग छिछोरा, शेर बोस का खून जो खौला, शेर बोस का खून जो खौला, गोरे को एक चपत लगाई, नाम कटा कॉलेज से लेकिन हिंद की लाज बचाई। नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी, बलिदान ही बलिदान है बचपन और जवानी, बलिदान की एक कहानी, बलिदान की एक कहानी। मात पिता ने समझाया और इंग्लिस्तान को किया रवाना, बड़ों के आगे होंठ न खोले लेकिन बागी दिल न माना, यूरोप में ICS के इम्तिहान को पास किया, और इतना ऊंचा औहदा पाकर देशभक्त ने छोड़ दिया, फिर हिंदुस्तान में आकर पहले गांधी को प्रणाम किया, गांधी को प्रणाम किया, गांधी को प्रणाम किया, वो देश की सेवा का बापू से पहला पहला सबक लिया, पहला पहला सबक लिया, पहला पहला सबक लिया, भारत के दुख दर्द को सोचा समझा और पहचाना, कमर बांध कर रण में आया आजादी का दीवाना, आजादी का दीवाना, किया अंग्रेजों ने ये ऐब, करें इस बागी को अब कैद, कुचल डाले मसल डाले, कुचल डाले मसल डाले। बचपन से जो बागी हो वो जुल्म से डरना क्या जाने, जलने से कब घबराते हैं शमा वतन के परवाने, जिसके रग रग में शोले हों वो क्या समझे चिंगारी को, हथकड़ियों को जंजीरों को जेलों की चार दीवारी को, कदम कदम पर मुश्किल आई लेकिन शेर सदा ललकारा, रह नहीं सकता गैर के बस में हिंदुस्तान हमारा, रह नहीं सकता गैर के बस में हिंदुस्तान हमारा, रह नहीं सकता गैर के बस में हिंदुस्तान हमारा। सरकार ने कर डाली नजर बंद जबा बंद, मैदान के जो मर्द हैं होते हैं कहाँ बंद, एक रात को चुपके ही से गुम हो गए नेता, शोर हुआ सुबह कहाँ खो गए नेता, जनता भी थी हैरान तो सरकार भी हैरान, उड़ जाने से बुलबुल के था सयाद परेशान। लेकिन माता कोई उम्मीद थी लौटाएगा बेटा, माता से कहे बिना कहाँ जाएगा बेटा, इस आस में दरवाजे भी घर के न किए बंद, आ जाएगा आ जाएगा वो लाल वो फर्जन। उस माँ से बड़ी माँ है जो हिंदोस्तां है, वो छोड़ गया माँ को बड़ी माँ को छुड़ाने, इस हिंद की बिगड़ी हुई तकदीर बनाने। बदल पठानी भेद चला पर देश छोड़ कर देश हमारा नेता,
बदल पठानी भेस ला पर भेस छोड़ कर भेस महाराने का आजादी की नई लड़ाई लड़ने प्याराने का हिंदुस्तान से काबुल में और काबुल से बर्लन में चलते चलते पहुंच गया वो सिंगापुर के रण में कौम की ये बाजी और कौमी तराना बन गया कौम की ये बाजी और कौमी तराना बन गया एक एक दिन का चुना और आशियाना बन गया जय गांधी जय सुभाष जय गांधी जय सुभाष जय हिंद जय हिंद चोट तो नहीं आई भोसले ब्रिटिश ने अभी तक कोई ऐसी गोली तैयार नहीं की जो मेरी जान ले सके शेखर 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 अरे भाई धक्का न दो सुरेश बच्चा शेखर खतरा है शेखर शेखर भोसले लोगों को मारने से रोको जी भगवान तुम्हारा भला करे कौन हो तुम मेरे बेटे शेखर को तो जाते ही होगे मुझे वहां तक पहुंचा दो बस जाओ भाग जाओ समरीन आ गई होगी जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे यीशु मसीह तुम्हारी हिफाजत करे खुदा हाफिज़ मैं किसी के बहकावे में आ गया था मुझे माफ कीजिए मैं कौन है वो एक लंबा था खूबसूरत नौजवान अभी अभी नॉर्थ पेंट से एक तमरीन में भाग रहा कहीं भैया ना हो वो सुरेशी होगा वो सुरेशी था भोसले उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए शेखर तुम जाओ और पूछने की कोशिश करो कैप्टन शेखर अभी सुरेश को गिरफ्तार करके आता ही होगा कैप्टन शेखर आपसे मिलना चाहते हैं आने दो क्या हुआ शेखर मुझे अफसोस है मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सका मेरे पहुंचने से पहले वो भाग चुका था खैर योर फर्दर ऑर्डर्स गुड लक हेलो क्या है बॉस कल शेखर अपनी फौज को लेकर यहाँ से कहीं बाहर जा रहा है लिली से कहो कि उससे पता करे कि वो कहाँ जा रहा है क्यों जा रहा है मैं लिली से हरगिज नहीं कहूँगी मैंने उसे एक दफे आग में धकेला है और अब नहीं धकेलूंगी तुम्हें जो काम हो मुझसे कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ मगर लिली नहीं करेगी तो फिर तुम भी सुन लो अगर लिली ने शेखर से राज मालूम नहीं किया तो फिर शेखर भी यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा
मैंने सब कुछ सुन लिया है दीदी। लिली, तुम जो भी राह चुनना चाहो चुन लो, मैं अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हारा साथ दूंगी। अब मैं और कौन सी राह चुन सकती हूँ दीदी? शेखर मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। वो मेरी आत्मा है, मैं उसके बगैर मर नहीं सकती। शेखर की जिंदगी के लिए मैं राज पता करूंगी। तुम शेखर को अंदर भेज दो। आजकल कुछ मुझसे खफा सी रहती है। मना लो उसे। हाँ। लिली, विदा लेने आए हो? अब तो उसमें नाराज होने की क्या बात है लिली, ये तो मेरा फर्ज है। मैं आजाद हिंद फौज का सिपाही हूँ, आजादी की जंग जीतने की कसम खाई है मैंने, मुझे जाना ही होगा। लिली, कब जाओगे? कल रात को। कहाँ जाओगे? किसी से कहना नहीं लिली, मैं दूर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो थोड़ी सी फौज लेकर। क्या हुआ लिली? हीरो, चलो हम भाग चले यहाँ से दूर, हम और तुम इकट्ठे रहेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ लिली, मगर मैं एक सिपाही हूँ, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है? हीरो, मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगी, तुम्हारे साथ ही जीऊंगी। लिली। हाँ हीरो। अच्छा, तो फिर हम दया कर लेंगे। सच? हाँ, तुम दुल्हन बनोगी, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगेगी, तब आतिशबाजियां छूटेंगी। आतिशबाजियां छूटेंगी? मैं दुल्हन बनूंगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी। हाँ? मगर कब? वापस आकर। कब आओगे? बस चार ही रोज में, मैंने कहा ना मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी सी फौज लेकर। हीरो, मोहब्बत की बातें करो, शादी की बातें करो, मुझे अपने कदमों में रखने की बातें करो। तुम रो क्यों रही? मैं तुम्हारी जिंदगी चाहती हूँ शेखर, मैं तुम्हारी जिंदगी चाहती हूँ। मगर लिली, मैं कोई खास खतरे में तो नहीं जा रहा हूँ। तो तुम कहाँ जा रहे हो? बर्मा रोड पर सुरंगे बिछाने के लिए। तुम वापस आओगे? ताकि दुश्मन का फौज जब हमले के लिए आगे बढ़े तबाह हो जाए। मैं दुल्हन बनूंगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी, है ना? हाँ। तुम मुझे अपने कदमों में रखोगे? कदमों में नहीं। कल रात को आलाधुन फौज के सिपाही बर्मा रोड पर सुनिया बचाने के लिए जा रहे हैं, ये खबर भेजो।
देखो ये भाग न जाए। लिली कहाँ है? लाश को बाथरूम में बंद कर दो, लीले की तलाश करो। तुम्हें कैसे मनाऊं? मुझे दुआ करना नहीं आती, मैंने कभी दुआ नहीं की। बेटी, फादर, पछतावे का हर आंसू एक लंबी दुआ के बराबर। सच्चे दिल से की हुई दुआ कभी बेकार नहीं जाती। दुआ की जाओ, की जाओ, वो जरूर सुने। आमीन।
दुश्मन के सिपाही छुप गए हैं, उन्हें बाहर निकलने दो। दोस्तों, वतन की आजादी का इतिहास लिखा जा रहा है, तुम अपने आप को कार कहलवाना चाहते हो या शहीद? शहीद। तो फिर निकलो यहाँ से और दुश्मन पर हल्ला बोल दो। वो पहाड़ी हमारी मंजिल है और कसम खाओ कि हम में से हर एक दुश्मन के चार सिपाहियों को मार के मरेगा। हम फिर लौटते हैं। जय हिंद। जय हिंद। दुश्मन आगे बढ़ रहा है, निकलो अपनी अपनी जगह से और टूट पड़ो दुश्मन पर, और देखो एक भी आदमी जिंदा न बचने पाए। उठो। रोशनी ना होती, कम से कम ये तो न देखते कि भाई भाई के खून का प्यासा है। किस्मत, किस्मत तो अंधे बाप की बुरी होती जो हमारी मौत की खबर सुनता और सोचता कि हमने अपने बेटों को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया कि वो एक दूसरे की जान ले ले। मेरे सिपाही धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं। मारे नहीं जा रहे, मारे जा चुके हैं। तुम भी अपने आप को गिरफ्तार समझो शेखर। आजाद हिंद फौज के सिपाही गिरफ्तार होना नहीं जानते, मरना या मारना जानते हैं। जिद ना करो शेखर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं भैया, मरने या मारने के लिए तैयार हो जाओ। बंदूक छोड़ दो शेखर। कोई मर्दूद यहां तक भी आ पहुंचा? वो मर्दूद नहीं, बहादुर था। बहादुर वो जा रहा है, वो देखो वो जा रहा है। ठहरो, बंदूक मुझे दो। कहां है वो? मुझे तो कहीं नहीं दिखता। ये क्या किया तुमने? कैप्टन, हमारी मुकम्मल जीत हुई। मैं जानता हूं, मुझे इसकी कीमत देनी पड़ी है। दुश्मन के सब आदमी मारे गए हैं। जय हिंद कैप्टन शेखर। शेखर,
शेखर, शेखर, शेखर, जख्म सिपाही हूं ना पिताजी। हाँ, भारत माता की आजादी की राह में खाए हुए जख्म जख्म नहीं है बेटा, फूलों के हार हैं। तुम आ गए, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी दुआएं भी सुन ली गई है। तुम थक गए होगे बेटा, जाओ नहा धुला लो, कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करवाता हूं। प्रताप चलो बेटा। लिली, लिली, मैं एक बहुत बड़ा काम करके आया हूं। जब मैं तुम्हें सब कुछ सुनाऊंगा तुम सुनकर खुशी से मुझे लिपट जाओगी, तालियां बजाओगी और कहोगे हीरो हीरो, तुम वाकई हीरो। लिली, लिली तुम यहां? ओ, तुम्हें बहुत सी मुसीबतों से गुजरना पड़ा। मुसीबत? लिली, मौत चारों तरफ नाच रही थी, जीने की तमाम उम्मीदें छोड़ चुका था। मेरा बच जाना एक जादू है। बचाने वाला जादूगर है। लिली, अगर मैं लड़ाई में मारा जाता तो शायद मैं भी जिंदा न रहती। लिली, क्या सच तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? हाँ, मगर। मगर क्या? क्या तुम मुझसे ये पूछना चाहती हो कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ? लिली, तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी की एक एक घड़ी, एक एक सांस देश के लिए थी, मगर तुम्हारी सुंदरता ने, शोखी में छुपे हुए तुम्हारे भोलेपन ने मेरी जिंदगी की घड़ियां मुझसे मांग ली। मैंने वो घड़ियां तुम्हें दी नहीं, तुमने मुझसे छीन ली। और अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सिवाय कुछ और सोच ही न सकूं। ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे सिवाय और कुछ सोच न सको? हाँ, ऐसा हो सकता था, मगर। मगर क्या? तुम क्या कहना चाहती हो लिली? शेखर, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम रो क्यों रही हो? तुम परेशान क्यों हो लिली? क्या बात है? मैं अंग्रेज सरकार के जासूस हूं। जासूस? हाँ, तुम्हारी फौजों पर जो बमबारी हुई थी वो खत मैंने चुराया था। नेताजी की जिंदगी पर हमला हमारी वजह से हुआ था। इस दफा हम दुश्मनों के जाल में फंस गए थे और मेरे सब साथी मारे गए थे, वो भी तुम्हारी वजह से हुआ था। हाँ, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत एक धोखा थी, फरेब थी। तुमने मुझे धोखा दिया, नेताजी को धोखा दिया, मेरे वतन को धोखा दिया। मैं तुम्हें मारता रहूंगा, मैं तुम्हें जाएगी नहीं। तुम हट जाओ प्रताप। नहीं भैया, मैं कहता हूँ हट जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो भैया? नहीं भैया, इसे जाने मत दो, ये जासूस है। जासूस? मैं नहीं जाऊंगी शेखर, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें फिर से चोट आई। छो मत मुझे नागिन, तुमने मुझे बहुत जोर से डसा। मैं तुम्हारे हीरो कहने अब ताली बजाने के फरेब में आ गया, मगर
मगर अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, तुम पर मुकदमा चलेगा, लोग तुम्हें गद्दार कहेंगे, तब मैं ताली बजाऊंगा, तुम गोली से उड़ा दी जाओगी, तब मैं खुश हूंगा, कहकह लगाऊंगा। हीरो भैया, जिंदा है, बाकी जाओ, दूसरे आदमी बुला लो, उठा के ले जाए। अच्छा। मिस्टर प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कोर्ट मार्शल, अब ये साबित हो गया है कि देखने में ये दोनों भोली भाली लड़कियां किस कदर संगीन मुजरिम हैं, किस तरह इन कम उम्र लड़कियों ने 40 करोड़ हिंदुस्तानियों की तहरीक आजादी को खतरे में डाला, किस तरह इन मासूम सूरत लड़कियों ने हमारी आंखों के तारे नेताजी की जिंदगी पर हमले की साजिश की, और ये जानते हुए भी कि जासूस की सजा मौत है, किस तरह मलाया में हमारी आजाद हिंद फौज के दरमियान रहकर इन दोनों ने अंग्रेजों की जासूसी की। मिस्टर प्रेसिडेंट, इन जुर्मों के लिए कानून की नजरों में सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत, इन खूबसूरत नागनों के लिए सिर्फ मौत। नहीं, लिली बेगुनाह है, ये सब कुछ मैंने किया है, मैंने ही उसे बहका दिया था, सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। दीदी, दीदी, सजा तुम दोनों को ही मिलेगी, कानून की जब्त कोई नहीं बच सकता, यहां तक के हमारी फौज का मशहूर ऑफिसर कैप्टन शेखर भी नहीं बच सकता। और मिस्टर प्रेसिडेंट, इस लड़की ने जो जुर्म किए हैं उसमें बदकिस्मती से कैप्टन शेखर भी शामिल है, मैं कैप्टन शेखर से चंद सवाल करना चाहता हूं। इजाजत है कैप्टन शेखर। शेखर, क्या तुम इस लड़की से मोहब्बत करते थे? जी हां। क्या तुम अब भी इस लड़की से मोहब्बत करते हो? आप जानते हैं मैंने उसे गिरफ्तार किया था, मगर मैं पूछता हूं क्या तुम इस लड़की से अब भी मोहब्बत करते हो? मैंने उसके खिलाफ बयान दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपका यह सवाल मुकदमे की कार्रवाई के लिए गैर जरूरी। नहीं, मेरा यह सवाल गैर जरूरी नहीं है। कैप्टन शेखर, तुमने इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया। एक दिन वो था जब तुमने 7 लाख रुपए में नेताजी का हाथ खींचकर देश के नौजवानों के लिए मिसाल कायम की थी। तुम आजाद हिंद फौज के सिपाही बने, तुमने अपने गुलाम वतन को विदेशी हुकूमत के जालिम पंजे से आजाद कराने का वादा किया, तुमने नेताजी के सामने कसम खाई थी कि अपने फर्ज से कभी कोताही नहीं करोगे, लेकिन इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तुम अपने फर्ज को बिल्कुल भूल गए। कैप्टन शेखर, तुम्हारी वजह से फौजों पर बमबार्डमेंट हुई, आजाद हिंद फौज का बढ़ता हुआ सैलाब तुम्हारी वजह से रुक गया। हाँ, मैं जानता हूं कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं झूठी मोहब्बत के फरेब में फंस गया था। मैं तस्लीम करता हूं कि मेरी मोहब्बत की एक एक घड़ी देश भाइयों की मौत का सबब बनी। मैं ये भी मानता हूं कि मेरी लापरवाही से नेताजी की जिंदगी पर हमला हुआ, मुझे सजा मिलनी चाहिए, वही सजा जो एक गद्दार के लिए मुकर्रर है, ताकि मेरे साथियों को इबरत मिले। मगर मुझे रंज तो है सिर्फ इस बात का कि जब इतिहास लिखने वाले आजाद हिंद फौज का इतिहास लिखेंगे तो मेरा नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। शेखर, नहीं, तुम गद्दार नहीं हो, तुम बेकसूर हो। मैंने सब कुछ किया है। तो मैं और कोर्ट मार्शल के मेंबरान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुजरिम नंबर 1 मिस लिली डिसूजा और मुजरिम नंबर 2 मिस डॉली डिसूजा दोनों अंग्रेजों की जासूस हैं। चुनांचे मिस लिली डिसूजा और मिस डॉली डिसूजा को मौत की सजा दी जाती है। और शेफर को इसकी खिदमत के इवज में बरी किया जाता है।
वक्त हो गया है। खुदा के मुकद्दस बेटे से अपने गुनाहों की माफी मांगो। खुदावंद हम पर रहम करो। खुदावंद हम पर रहम करो। हमें अपने गुनाहों का पछतावा है। हमें अपने गुनाहों का पछतावा है। क्योंकि हमारे गुनाहों ने तुम्हारी रहमत को गुस्सा दिलाया है। क्योंकि हमारे गुनाहों ने तुम्हारी रहमत को गुस्सा दिलाया है। यीशु मसीह अपने कीमती खून से हमारे गुनाहों के धब्बे धो डालो। हमारे गुनाहों के धब्बे धो डालो। नहीं, मैं माफी नहीं चाहती। मैंने अपने बेगुनाह बहन को मौत के मुंह में फेंका है। दुश्मन का फौज जब हमले के लिए आगे बढ़े तबाह हो जाए। मैं दुल्हन बनूंगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी, है ना? हाँ। तुम मुझे अपने कदमों में रखोगे? कदमों में नहीं। स्टार्क, क्या बात है? हाई कमांड ने ये जरूरी चिट्ठी भेजी है। नेताजी ने मिस डाली और मिस लिली की मौत की सजा मुलतवी करने का हुक्म दिया है। वो आज शाम को इनसे मिलेंगे। स्टॉप! तुम दोनों का खत पढ़कर मैंने तुम्हारी मौत की सजा मुलतवी कर दी है। तुम्हें अपने गुनाहों का अफसोस है? अफसोस? गुनाहों के लिए तुम्हें अपने सब कुछ खो बैठी? मेहता जी, ये बेगुनाह है। गुनाहगार तो असली मैं हूं। इसे तो हमारी साजिशों की कोई खबर भी ना थी। मैंने अपने मतलब के लिए इसे खिलौना बना रखा था। अपने बाप के खून के बदले के लिए मैं अंधी हो गई थी। जापानियों से बदला लेते लेते मैंने आजाद हिंद फौज को नुकसान पहुंचाया। शर्म की बात तो यह है कि हमें आप जैसी महान हस्ती के सामने आने का मौका मिला, तो वो भी गुनाहगार बनकर। तुम चाहो तो तुम्हारे पाप के धब्बे धुल सकते हैं। सिर्फ मौत ही एक गद्दार के गुनाहों के धब्बे धो सकती है। मौत तुम दोनों की जिंदगी खत्म कर सकती है, मगर पाप के धब्बे नहीं धुल सकते। तुम गद्दार थी लेकिन बहादुर भी, और मुझे बहादुरों की जरूरत है। क्या मैं तुम पर इतबार कर सकता हूँ? जी। क्या मैं तुम दोनों पर एक मुश्किल काम की जिम्मेदारी डाल सकता हूँ? जी। क्या हम भी देश की सेवा कर सकते हैं? क्यों नहीं,
तुम दोनों को ब्रिटिश कैंप में जाकर हमारे लिए जासूसी करना होगी। नेताजी, आप मेहरबान हैं, हमें मंजूर है। तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। मुझे यकीन है तुम देश की सेवा उसी तरह करोगी जैसे ब्रिटिश सरकार की। नेताजी, आप हमें शर्मिंदा न कीजिए। मैं तुम्हारे जवाब से खुश हूँ। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ठहरो, इस राज का मेरे, जनरल भोसले और तुम दोनों के सिवा और किसी को पता नहीं लगना चाहिए। लिली, शेखर को भी नहीं। दुनिया के नजरों में तुम दोनों मर चुकी हो। जय हिंद। जय हिंद। हम ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से बोल रहे हैं। अब आप हिंदुस्तानी में खबरें सुनिए। आज की खास खास खबरें ये हैं। कल बर्मा सेक्टर में हमारी फौजें दुश्मनों से लड़ती हुई नहायत कामयाबी से पीछे हटाएं। कल रात को आग खान पैलेस पूना में मिस्टर गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा स्वर्गवास हो गईं। उस वक्त उनकी उम्र 73 बरस की थी। वह अस्पताल में कुछ बापू, तुम अहिंसा के अवतार हो, मगर मैं अहिंसा को नहीं मानता। बाकी मौत पर तुम हरी इच्छा कहकर चुप रह सकते हो, मगर मैं ये कहता हूं बापू कि ब्रिटिश ने बा को जेल में मार डाला है और मैं उसका बदला लूंगा। जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप मुझे पहचान भी ना सकेंगे। तेरे लिए तेरे वतन की खाक बेकरार है, हिमालया की चोटियों को तेरा इंतजार है। वतन से दूर है मगर वतन के गीत गाए जा, वतन से दूर है मगर वतन के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की, काम पर लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की, काम पर लुटाए जा। अब मैं नहीं बच सकूंगा भैया, अगर कभी नेताजी से मिलना तो केवल इतना कह देना कि मैं दिल्ली तक तो ना पहुंच सका, लेकिन मैंने दिल्ली के रास्ते पे अपनी जान दे दी। बिछड़ रहा है तुझसे तेरा भाई तो बिछड़ने दे, भाई तो बिछड़ने दे, नसीब कौम का बने तो अपना घर उजड़ने दे, अपना घर उजड़ने दे, मिटा के अपना एक घर हजार घर बसाए जा, मिटा के अपना एक घर हजार घर बसाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की, काम पर लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है काम की, काम पर लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। तेरे लिए तेरे
वतन की खाक बेकरार है। हिमालया की चोटियों को तेरा इंतजार है। वतन से दूर है मगर वतन के गीत गाए। लाला राम प्रसाद जी, आपके घर नेताजी आए हैं। है? नेताजी? नेताजी आए हैं मेरे घर पर। नेताजी आए हैं? सुना तुमने, मेरे यहाँ नेताजी आए हैं। जरूर मेरे बेटे ने कोई बड़ा काम किया होगा। आज सिंगापुर के घर घर में चर्चा होगा कि नेताजी खुद चलकर मेरे घर पर आए। लोग कहेंगे राम प्रसाद के दोनों बेटे देश सेवा के मैदान में बाजी ले गए। और क्यों ना कहें, वो दोनों बहादुर हैं। वो जलती हुई आग में घुस गए होंगे। वो अकेले दुश्मनों की फौज से टकरा गए होंगे। वो गरजती हुई तोपों के सामने बेखौफ खड़े होंगे। जियो शेखर, जियो मेरे लाडले प्रताप, तुम हजार बरस जियो। तुमने मेरी गर्दन फख्र से ऊंची कर दी है। नेताजी, जय हिंद। जय हिंद नेताजी। नेताजी सुनाइए, सुनाइए खुशखबरी, सुनाइए, फरमाइए, फरमाइए। मैं समझ गया शहीद कौन हुआ। प्रताप। प्रताप, अब मैं आपके कंधों तक आता हूँ। जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप मुझे पहचान भी ना सकेंगे। रोइए नहीं मेरे बुजुर्ग, प्रताप मरा नहीं, प्रताप तो अमर हो गया। आज 23 फरवरी है। हमारे जासूसों की खबर है कि 26 फरवरी सुबह 3 बजे अंग्रेजी फौजें हमारी फौजों पर हमला करेंगी। तो पोजीशन यह है, ये बर्मा की सरहद है और ये हमारी फौज है। ये पुल इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिलाता है और ये अंग्रेजी फौजें हैं जो इस पुल को पार करके हमारी फौजों पर हमला करेंगी। और ये कोहिमा की सरहद है, यानी जहां से हमारा वतन हिंदुस्तान शुरू होता है। हमारा वतन? हाँ, तो जवाबी हमले के लिए मैंने ये स्कीम सोची है कि अंग्रेजी फौजों के हमला करने से पहले हम इस पुल को उड़ा दें। इस पुल के उड़ते ही हमारी फौजें इन पहाड़ियों को पार करके पिछली तरफ से अंग्रेजी फौजों पर हमला कर दें। इस अचानक हमले से दुश्मन घबरा जाएगा और अगर हमारी ये स्कीम कामयाब हुई तो हम यकीनन कोहिमा ले सकेंगे। मगर इस पुल को उड़ाने के लिए हमारे पास बम्बार हवाई जहाज नहीं। हाँ, तो उसकी तजवीज ये है कि हम एक अपना बहादुर सिपाही पैराशूट के जरिए दुश्मन के कैंप पर यहाँ गिरा दें, जो हमारे जासूसों की मदद से 25 फरवरी रात के 12 बजे यानी दुश्मन के हमले से एक दिन पहले इस पुल को उड़ा दे। मगर इस पुल पर अंग्रेजी फौजों का जबरदस्त पहरा है, चुनाचे उस बहादुर सिपाही को अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ेगा। नेताजी, इस खिदमत का मौका मुझे दीजिए। मेरे माथे पर जो गद्दारी का टीका लगा है मैं उसे धो देना चाहता हूँ। मगर इसमें मौत यकीनी है। नेताजी, वतन की आजादी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती। मुझे तुम्हारे पिता का ख्याल आता है। अभी अभी प्रताप की मौत हुई है। नेताजी, आपने खुद ही तो कहा था कि वतन का जज्बा हर जज्बे से बुलंद होता है। भाई बहन, माँ बाप और हर जज्बे से बुलंद। जाने से पहले तुम अपने पिता से मिलना चाहते हो? नेताजी, आप ही हम सबके पिता हैं। अच्छा तो शेखर, तुम पर इस जिम्मेदारी का बोझ डाला जाता है। तुम पर इस वक्त एक कौम की फतेह या शिकस्त का दारोमदार है। भगवान तुम्हारी सहायता करे। जनरल भोसले, कैप्टन शेखर को प्रोग्राम बतला दो। जी कैप्टन शेखर, कल रात को तुम हवाई जहाज से भेजे जाओगे। 25 फरवरी रात को 12 बजे हमारे जासूसों की मदद से तुम इस पुल को उड़ा देना। इस पुल के उड़ते ही हमारी फौजें हमला कर देंगी। हमारे जासूसों का कोड वर्ड है फूल 112।
खुदा हाफिज मत करो, कल खुदा कामयाबी से मौत पे। अभी अभी हो रहा है आपको? कितनी अजीब बात है, आपकी आवाज किसी से मिलती जुलती है। अगर वो मरने चुकी होती तो मैं समझता आप वही हैं। कौन थी वो? ठीक हो, आप उससे मोहब्बत करते थे? हाँ। अब तक भी आपके दिल में उसकी याद बाकी है? याद मेरे दिल में मरते दम तक रहेगी, मगर उसने मुझे धोखा दिया था। धोखा? हो सकता है आपकी मोहब्बत की वजह से वो अपने किए पे पछताई हो सकता है, मगर अब क्या फायदा। मैंने उसे फांसी की सजा दिलवाई थी, उसे मरे हुए जमाना हो गया। शायद वो न मरी हो। ऐसा कैसे हो सकता? कभी कभी जादू हो जाया करता है। जादू? आप कैसे कह सकती हैं वो न मरी? आप कैसे कह सकती हैं अपने किए पर पछताई हो? कौन है आप? छुपाने का क्या बंदोबस्त किया? अस्पताल में एक सिपाही मर गया है, उसकी जगह तुम्हें रखा जाएगा। चले चले, दीदी इंतजार करती होगी।
हेलो लिली। हेलो। ओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? कल रात तुम्हारी हालत। थैंक गॉड तुम बच गए। फीलिंग बेटर? बोलने की कोशिश मत करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हेलो कैप्टन। हेलो। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट? नो, व्हाट इज इट? कल रात को पुल के नजदीक एक पैराशूट मिला है। पैराशूट? यस। ख्याल किया जाता है दुश्मन का कोई आदमी हमारे कैंप में आया है। बहुत जोर से उसकी तलाश की जा रही है। इट इज डेंजरस। खास खास जगह पर पैरा बढ़ा दिया गया है। ओके। दुश्मन का आदमी हमारे कैंप में? डाली, कहीं शेखर ना हो? वो कैसे हो सकता है? वो बहादुर है, जांबाज है, निडर है। अगर वो हुआ तो तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा हूँ, परमात्मा तुम्हें जल्दी अच्छा करे। बाय बाय लिली। ओके कैप्टन। ओ दो नागे भील और लिली बाहर खड़े हैं, तुम उनके साथ जाओ, मैं भी आ जाऊंगी। आई थिंक यू आर ऑल राइट। वांट टू गो टू बाथरूम? कम ऑन। पुल पर चले जाना, हम अभी आ रहे हैं। बहुत अच्छा। 8 बज गए। हाँ, हमारे जीने के भी सिर्फ 4 ही घंटे बाकी रह गए। तुम मौत से डरती हो? नहीं, जब तुम साथ हो तो डर किस बात का? और शहीदों की तो समाधियां बनाई जाती हैं। तो फिर हीरो, मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि हम दोनों की एक ही समाधि बनाई जाए, अलग अलग नहीं। मैं समझ गया। और तुमने वादा भी तो किया था। हाँ, तो फिर आओ भगवान बुद्ध को साक्षी करके हम ब्याह कर लें। मगर लिली, हमारे ब्याह पर बाजा ना होगा, न तुम नई दुल्हन जैसी सजाई जाओगी, न तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगेगी, और न हम नए दूल्हा दुल्हन की तरह ये ख्वाहिश कर सकेंगे कि हमारी शादी की रात 1000 बरस की हो, क्योंकि हमें काम करना है। तो क्या हुआ, मौत के गोद में आराम तो मिलेगा। आओ, देर न करें, भगवान बुद्ध से आशीर्वाद मांगे कि मौत के बाद भी हम एक दूसरे से अलग न हो। आओ। भगवान, हम तेरे सामने पति पत्नी होने का वादा करते हैं और तुझसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हम जन्म जन्मांतर एक दूसरे के साथ रहें, मौत भी हमें अलग न कर सके। आमीन।
अपने हथियार फेंक दो, फेंक दो। सुरेश, तुम यहां? शेखर और लिली, तुम यहां शेखर के साथ? ये सब क्या मामला है? ओह, तो कल तुम्हारा ही पैराशूट पकड़ा गया था। मेरा सुरेश ठीक कहता था कि जरूर शेखर ही आया होगा, मगर कितनी बदकिस्मती है कि हमेशा भाई भाई का सामना हो जाया करता है। मेरी भी तो बदकिस्मती है, मेरी बहन दुश्मनों के साथ मिली हुई है। लिली, तुम्हारी मांग में सिंदूर कैसा? दीदी, मालूम होता है तुम दोनों ने शादी कर ली और मुझसे पूछा तक भी नहीं। अच्छा, अपने किए की सजा भुगतो। मेरे सुरेश तो अपने फर्ज के इतने पक्के हैं कि तुम्हें शादी की खुशी मनाने की मुहलत भी ना देंगे। अब मौत की सेज पर ही शादी की खुशी मनाना, मैं क्या कर सकती हूं? जा, शायद इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया होगा। अच्छा दीदी। सुरेश, शेखर तुम्हारा भाई है, लिली मेरी बहन है, ये दोनों भाग नहीं जाएंगे। हम दोनों बाहर खड़े होते हैं, इन्हें शादी की खुशी मनाने की मोहलत दे दो। डाली, वो पिस्तौल उठा लो। कश्मकश हो रही है सुरेश, एक तरफ भाई, दूसरी तरफ फर्ज। एक तरफ भाई की मौत और दूसरी तरफ भाई की मोहब्बत। डाली, घबराने की कौन सी बात है? तुम्हारा कितना नाम हो जाएगा, कैप्टन सुरेश से मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर। चुप रहो डाली, चुप रहो, चुप रहो। ये तो खुश होने की बात है, मेरा सुरेश ब्रिगेडियर हो जाएगा। हो सकता है इन खिदमात के बदले में तुम्हें विक्टोरिया क्रॉस मिल जाए। ये क्या कह रही हो डाली, तुम भी मुझे गलत समझती हो। मैं तुम्हें गलत नहीं समझती सुरेश, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कितनी तकलीफ हो रही है। मेरा फर्ज मुझे मजबूर कर रहा है। तुम्हारा फर्ज तुम्हें मजबूर कर रहा है। तुम्हारी मोहब्बत भी धोखा थी?
सच बताओ। नहीं सुरेश, कुछ मुद्दत के लिए हम दोनों के रास्ते अलग हो गए थे और अब फिर एक हो जाएंगे। अब बहुत देर हो गई है डैली, मैं जा रहा हूं। सुरेश, तुम अकेले नहीं जा सकते, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारी मोहब्बत को धोखा नहीं दिया, कभी धोखा नहीं दिया, कभी धोखा नहीं दिया, कभी धोखा नहीं दिया। डाली, ये रहा वो पुल। हिंदुस्तान की सरहद कहां से शुरू होती है? इधर, यहां से 100 गज दूर है। लहलहाते हुए खेत, सोने की चिड़िया नाम था हमारे हिंदुस्तान का, इन जालिम विदेशियों ने लूट लिया। हम हिंदुस्तानी से आजाद करेंगे। अब अपना काम शुरू करें। डॉली, तुम जाके रिपोर्ट करो, तुम लाशों को उठाने का इंतजाम करो, मैं पुल की तरफ जाता हूं। निकाली तो गोली से उड़ा दी जाओगे। गोली से उड़ा दू नहीं, ये मौत तुम्हारे लिए काफी थी। पुल पर से फेंकवा दू नहीं, ये भी सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं। पुल उड़ाया जाएगा, तुम भी साथ ही उड़ो। पुल के टुकड़े टुकड़े होंगे, तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े होंगे, खबरदार।
तो ले ली, मेरी आंखें जाती हैं। हीरो, हीरो, तुम जल्दी से फोन लगा दो ले ली, जाओ जल्दी। पकड़ो! कि तुम अपने काम की सफलता देख सकते हैं। क्या बोली तुम जो मेरी आंखें हो? गुड, पुल तोड़ने वालों की तलाश करो। ब्रिटिश गार्ड्स हमारी तलाश कर रहे हैं। अब मौत का डर नहीं लेली, ऐसे काम में अब मौत तो हर हिंदुस्तानी को नसीब हो। हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमारी फौज आगे बढ़ेंगी, वतन आजाद होगा, इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा। हाँ हीरो, हमें और क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज और ले, मरने से पहले अपने वतन की मिट्टी चूमना चाहता हूँ। कितनी दूर है हमारा वतन? वो यहाँ से 100 गज दूर है। मुझे ले चलो, मुझे वहां ले चलो। लिली, यहाँ से बाहर निकलते ही ब्रिटिश गार्ड से भूमि कर रख देंगे। यहाँ पड़े भी तो मौत है, मैं अपने वतन की सरजमीन पर मरना चाहता हूँ। मुझे वहां ले चलो लिली। चलो मेरे हीरो। दूर है कोई 50 हजार। चलो हीरो। देखो, आज हमारी शादी की पहली रात है ना, ये बम और बारूद नहीं फट रहे, आतिशबाजियां छूट रही है। देखो, ये खून नहीं है, मेरे हाथों में मेहंदी लगी। नहीं,
जल्दी आओ लिली। और देखो मैं तुम्हारे कदमों में। कदमों में नहीं लिली, मेरे पास। लिली, सुना तुमने हमारे टैंकों की आवाज? हमारी फौजें आगे बढ़ रही हैं। आओ पुकारें जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जहां अपनी अंधी आंखों से हिंदुस्तान का चमकता हुआ भविष्य देख रहा हूं, वहां अपने घर की तबाही भी देख रहा हूं। मेरे बुजुर्ग सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे, प्यारा देश हमारा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुहागा, जय हो